इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में आज कुछ तनाव का माहौल रहा। वजह रही कि क्रांतिवीर संगोली रायन्ना के पुतले पर पांव रखकर अजीब हरकत करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वैसे तो देशभक्तों के मुजस्समों का तो ही नामोज, वीडियो वायरल करना भी एक तरह से जुर्म ही है, पर हासिल इत्तला के मुताबिक शराब के नशे में धुत जहनी बीमार शख्स ने पिरनवाड़ी के संगोली रायन्ना पुतले पर चढ़ गया। कुछ देर तक इसने पुतले पर खड़े रहने की कोशिश की, फिर करीब के खंभे पर चढ़ गया। इसे आवाम ने उतारने की काफी कोशिश की, पर कभी ऊपर चला जाता, लिहाजा कुछ देर बाद उसे नीचे उतारा गया। जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें कुछ लोग गुफ्तगु करते भी नजर आ रहे, जिससे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर जहनी बीमार शख्स को शराब पिलाकर इसे इस हरकत को अंजाम देने की साजिश रची हो। खैर, इसे पुलिस तहकीक कर रही है। तो ही नामा उस वीडियो वायरल होते ही संगोली रायन्ना के चाहने वाले इस हरकत से नाराज हुए। इसी तरह खड़े बाजार, खंजर गली, दरबार गली में कुछ सजाए हुए भैंसों को दौड़ाया जा रहा था, जिससे कुछ देर तक आवाम में तनाव का माहौल रहा। आवाम का कहना यह है कि खड़े बाजार, दरबार गली, खंजर गली में जानवरों को इस तरह दौड़ाकर माहौल में तनाव पैदा करने की क्या जरूरत थी। बेलगाम शहर में अब अमन कायम है, कुछ लोग इसमें तशद्दुद का जहर घोलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लिहाजा पुलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। कोई भी हो, किसी मजहब, भाषा, जात पात का हो, फौरी तौर पर कार्रवाई करे। अमन को बरकरार रखने का मुतालबा अवाम की जानिब से किया जा रहा है। बेलगाम शहर और अतराफ में मराठियों की तादाद काफी है और कर्नाटक महाराष्ट्र तनाजा भी इसी के मद्देनजर पिछले 60 सालों से देखा जाता। अब अन करीब बेलगाम पार्लियामेंट के लिए इंतखाबात भी होने और इसी पर नजर रखते हुए रियासत की जानिब से मराठी तरक्कियाती अख्तियार ने मराठियों के लिए तरक्की के लिए 50 करोड़ का ऐलान किया गया है। बेलगाम और अतराफ में इसका भी मिला जुला असर रहा। कभी मराठी की अजमत के लिए लोगों ने कुर्बानी दी है, रियासती हुकूमत लालच के जरिए मराठी अजमत जद्दोजहद को खत्म करने की साजिश है, लिहाजा इस लालच को कबूल नहीं करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र एकीकरण समिति के दीपक दलवी ने कहा। पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में दाखिल होने की तहरीक को कोई खरीद नहीं सकता। यकीनन मराठी माशरा बिखरा हुआ जरूर है, पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को, जिन्होंने मराठी की अजमत, इसके वकार के लिए जानों के नजराने पेश किए, इन्हें हम भुला नहीं सकते। दूसरी तरफ रियासत हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कुछ कन्नड़ तंजीमों ने वजीर आला येडियुरप्पा हुकूमत के खिलाफ रियासती सतह पर एहतजाज करने की धमकी दी है। कन्नड़ तंजीमों ने जल्द मराठियों की तरक्की के लिए जो ऐलान किए हैं इसे फौरी तौर पर रद्द करने की मांग की है। सारा गोविंद ने इस ऐलान को कन्नड़ आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर कहा है। मराठी आवाम ने हमेशा कन्नड़ लोगों पर जुल्म किया है, ऐसा भी इनका इल्जाम है। लिहाजा इस तरह का मशवरा आखिर वजीर आला को कौन दे रहा है, यह भी ताज्जुब की बात है, ऐसा भी उन्होंने कहा। कर्नाटक में रहकर महाराष्ट्र जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर आखिर येडियुरप्पा क्यों मेहरबानी कर रहे हैं, इनका यह फैसला बड़ा मजाकिया लगता है, ऐसा भी कहा। कल को तमिल आंध्र के लोग भी इसी नहज पर मांग करेंगे, उन्हें भी क्या इसी तरह से इमदाद दी जाएगी, ऐसा सवाल गोविंद ने किया। मराठियों का एक तबका इसे लालच कह रहा है तो कन्नड़ तंजीमें येडियुरप्पा का गलत फैसला कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत आखिर क्या फैसला ली। महज 6 घंटों में पुलिस ने ढूंढ लिया चोरों को। एपीएमसी के सीपीआई जयद मुशापुरी ने की कार्रवाई। कुंवरपुर नगर के ताजिर योगेश छाबरा ने तकरीबन 5 लाख की रकम घर में लाकर रखी ताकि सुबह बैंक में जमा किया जाए, पर सुबह जब उठकर देखते हैं तो रकम अलमारी से गायब है। काफी देर तक ढूंढने के बाद योगेश छाबरा ने पुलिस थाने में फरियाद दर्ज की। एपीएमसी के सीपीआई जनाब जावेद मुशापुरी ने मैच कुछ ही घंटों में मुजरिमों को तलाश कर इनके पास से रुपया बरामद किया। इस कार्रवाई के बाद जावेद मुशापुरी को मुबारकबाद पेश की जा रही है। हासिल इत्तला के बाद योगेश छाबरा का प्लाईवुड का भातकांडे गली बेलगाम में कारोबार है। त्योहार के मद्देनजर बैंक छुट्टी थी तो दूसरे दिन बैंक में रकम जमा करने की नीयत से जो भी पैसा दुकान का था घर में लाकर अलमारी में रखा। जुमा के रोज बैंक में जमा करने के लिए अलमारी खोली तो अलमारी में रुपया था ही नहीं, लिहाजा काफी तहकीक और तफ्तीश के बाद थाने का रुख करना लाजिम था। मामले को एपीएमसी थाने में दर्ज किया गया। तमाम सीसीटीवी
फुटेज को खंगाला गया। लिहाजा घर में काम करने वाली मरियम्मा और अनीता कांबले पर शक की सुई रुक गई। पुलिस के अंदाज में जब तफ्तीश की गई तो घरों में काम करने वाली दोनों खातून ही असल चोर साबित हुई। इनके पास से चोरी के तमाम रुपए बरामद किए गए, लिहाजा इन पर मुकदमा दर्ज कर अदालत के सामने पेश किया गया, फिर तवील छुट्टी पर जेल भी रवाना किया गया। कहने का मतलब यह है कि मुजरिम अतराफ में ही रहते हैं जिन पर हमारी नजरें गहरी होनी चाहिए। महज 6 घंटों में असल चोरों की तलाश करने के लिए APMC पुलिस मुबारकबाद के काबिल है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।